हेलो एवरीवन, आई एम गुल एंड आ वेलकम यू ऑल टू दिस वीक्स फ्यू मिनट्स सीरीज फॉर पॉलिटिक देखिए फ्यू मिनट्स सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आज स्टार्ट हुआ है और 2023 के फिल्म तक कॉन्स्टेंटली चलेगा ये जो इनिशिएटिव है इसने लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प किया और उसके बाद जो है बहुत स्टूडेंट्स ने हमें अभी जो है कॉमेंट्स में बोला कि फ्यू मिनट सीरीज जो है हम फिर से स्टार्ट करते हैं सो टेकिंग इन ऑल द डिमांड्स लेट अस बिगिन विद द फ्यू मिनट सीरीज आज टुडे जो है वील बी डिस्कसिंग फ्यू मिनट सीरीज फॉर पॉलिटी तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमारे पास है दैट इज रिलेटिंग टू नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ट्वेंटी देखिए ये जो पॉलिसी है ये फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज हुई है एयर स्पोर्ट्स को लेकर इससे पहले कंट्री में जो है कोई पॉलिसी नहीं थी तो इसीलिए अपने आप में ये जो पॉलिसी है बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है और इससे क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है फ्रॉम यूपीएससी तो कौन सी मिनिस्ट्री ने यह पॉलिसी लॉन्च की है यह हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपसे यूपीएससी प्रम्स में जो है पूछ सकती है तो यह जो पॉलिसी है यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की है यहां पर जो है स्पोर्ट्स नाम सुनकर कंफ्यूज जो है नहीं होना है अब बात करते हैं की ओब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी के तो की ओब्जेक्टिव जैसे नाम से क्लियर है प्रमोट करना एयर स्पोर्ट्स के कल्चर को एनेबल करना अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिस इन सेफ्टी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एयर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग राइट और इसी के साथ साथ क्या करना डेवलप करना सिंपल स्टेक होल्डर फ्रेंडली और इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इनहांस करना पार्टिसिपेशन और सक्सेस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स इवेंट क्योंकि ये तो हम चाहेंगे ही ना कि अगर हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे कर रहे हैं तो हमारे जो स्पोर्ट्स मैन वो क्या लेकर आ सके ग्लोबल लॉरल्स लेकर आ सके देखिए और इससे क्या होगा बैक एंड लिंकेजेस जब होंगी तो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बेनिफिट होगा वो कैसे कि जब हमारे यहाँ एयर स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनेगी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो हम ये चाह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो क्या हो इंडिया में हो, तो ये जो 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 है, है, है है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। हाँ। अब बात करते हैं कि क्या-क्या करेगी। देखिए पर मैं आपको बता रही हूं, it is a full list. Is, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है एक ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है क्योंकि पॉलिसी अपने आप में जो है काफी significant है। तो एक तो है, एरो एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट बेलूनिंग ड्रोन्स जैसे ड्रोन्स जो है आपसे पूछा जा सकता है और आप कन्फ्यूज हो सकते हैं ग्लाइडिंग इन पाउडर ग्लाइडिंग पावर्ड ग्लाइडिंग हैंड ग्लाइडिंग पावर्ड हैंड ग्लाइडिंग पैराशूटिंग पैराग्लाइडिंग पैरा मोटरिंग पावर्ड एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा राइट लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है इसका फोर्थ ईयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो अपेक्स होगा ऑफ दिस स्ट्रक्चर वो है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो होगी एपिक्स गवर्निंग बॉडी उसके नीचे आ जाएंगी नेशनल एसोसिएशन फॉर इंडिविजुअल एयरस्पोर्ट्स या फिर सेट ऑफ एयरस्पोर्ट्स एज अप्रोप्रिएट उसके नीचे रीजनल यूनिट्स आ जाएंगे या स्टेट या यूनियन टेरिटरी लेवल वाली यूनिट्स आ जाएंगे और उसके नीचे आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फोर्थ ईयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो है बॉडी का नाम चेंज कर दिया जाता है कि दिस फेडरेशन ऑफ इंडिया एज द एपिक्स गवर्निंग बॉडी तो याद रखना है एयर स्पोर्ट्स ही एयर स्पोर्ट्स की पॉलिसी है तो एयर स्पोर्ट्स ही जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो है उसकी एपिक्स बॉडी और यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है फोर्थ ईयर स्ट्रक्चर है अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिसी का तो देखिए इट विल हेल्प ये यहाँ पर गलत हो गया सॉरी इट विल हेल्प इंडिया टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस एंड बिकम द ग्लोबल कैपिटल ऑफ एयर स्पोर्ट्स अब यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट दिया है ये जो फैक्ट है आपको इसीलिए याद रखना है क्योंकि आपके मेन्स आंसर राइटिंग में जो है कहीं पर भी जो है यूज हो सकता है कैसे यहां पर बोल रहे हैं कि इट विल लेवरेज द एनर्जी ऑफ द यूथ बिलो द एज ऑफ 35, फाइव विच अकाउंट्स फॉर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन देखिए ये इस पॉलिसी के हिसाब से तो रेलिवेंट है ही बट जब हमें ऐसा डेटा मिलता है तो हमें ये डेटा को सेपरेट नोटबुक में लिख लेना चाहिए वाई बिकॉज हमारे मेन्स एग्जामिनेशन में जो है ये बहुत काम आएगा

में रहते हैं और पर 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 जो जो है है हैं वो नहीं कर पाते हैं, Economic multiplier भी है क्यों क्योंकि अगर का हब बनेगा इंडिया तो यहाँ पर लोग कर कर यहाँ पर लोग आएंगे टूरिज्म के लिए आएंगे सर्विसेज भी होंगी राइट और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा डेवलप हो जाएगा और जैसे मैंने बात की थी इकोनॉमी भी डेवलप होगी और अगर इकोनॉमी डेवलप होगी तो हमारा क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान भी जो है वो भी प्रॉस्पर हो सकता है अगर मेक इन इंडिया होगा एंड इट विल हेल्प इंडिया बिकम इन एयर स्पोर्ट्स हब बाई ट्वेंटी थर्टी डेट जो है याद रखनी है ट्वेंटी थर्टी तक राइट सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर दिस वीक्स व्यू मैंने सीरीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी सारा रेलिवेंट डेटा भी मिला मीन के परस्पेक्टिव से भी डेटा मिला पॉलिसी में क्या क्या लिखा हुआ है फोर्ट ईयर स्ट्रक्चर है कौन एप एक्सपर्ट है कौन सी मिनिस्ट्री ने यह पॉलिसी दी है और कौन सी स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है अगर इससे हमारा एक क्वेश्चन हिट हो जाता है तो काफी अच्छा हो जाएगा हमारे फिल्म और मींस एग्जामिनेशन के लिए आई होप यू लाइक द विद यू यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू